आपको उसमें एक पैटर्न समझ में आता है कि जो हमारा टोटल 100% सिलेबस है, उस 100% सिलेबस में से हम देखते हैं कि 40-50% में से 90% पूछ लिया, उससे हमें काफी, अब नेचुरल है कि अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं, लेकिन ये टेक्निक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये टेक्निक लर्निंग प्रोसेस से नहीं है कि आप एक सिलेबस का आधा पौना हिस्सा ही छोड़ दें पढ़ाई करने से। तो आज के इस प्रथम चरण के वेबिनार में मैं प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से डॉक्टर अनिल शर्मा जी जो आज के स्पीकर हैं वो हमसे जुड़ गए हैं। मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी का स्वागत करता हूं। इसी के साथ हमारे साथ आज जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मैं उन सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वेबिनार में जो स्पीकर हमें मिले हैं वो एक रिनाउंड प्रोफेसर और साइंटिस्ट हैं जो कि भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट भोपाल में कार्यरत हैं। उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा ये भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 22 साल का रहा है और इन 22 सालों में उन्होंने 18 साल मैनेजमेंट के ऊपर बिताए हैं। इसी के साथ इनका जो पीएचडी है वो पीएचडी न्यूक्लियर फिजिक्स में है। इन्होंने इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स के अंदर अपने काफी शोध निबंध रिसर्च पेपर पब्लिश किए हुए हैं। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल संगोष्ठी में कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने अपने पेपर प्रस्तुत किए हुए हैं। कई मान्यता प्राप्त संस्थाओं में इन्होंने मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ग्रांट हासिल किए। इनमें से कुछ जो हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डीएसटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल EDC जैसी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से इन्होंने अपने इंस्टीट्यूट के लिए ग्रांट ली है और इसमें मेजर और माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किए हैं, कुछ अभी कार्यरत हैं। तो ऐसे रिनाउंड प्रोफेसर आज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि वो डॉक्टर अनिल कुमार जी शर्मा का लेक्चर बड़े ध्यान से सुने। तो मैं डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा जी से विनती करता हूं कि स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स के बारे में हमारे स्टूडेंट को बताएं। धन्यवाद। थैंक यू सर। पेंडेमिक का टाइम है, अब धीरे धीरे कोरोना भी हल्का हो रहा है जैसा अपन जान रहे हैं, लेकिन फिर भी इस एक साल में सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो बेसिकली एजुकेशन पर ज्यादा पड़ा है, क्योंकि एजुकेशन में कॉलेज और कोचिंग और सब कुछ लगभग लगभग एक साल से बंद ही है, और क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट स्टूडेंट को ध्यान में रख के एग्जाम भी हल्के किए हैं या कहीं पर एग्जाम भी कंडक्ट नहीं किए हैं। तो मैं वेबिनार स्टार्ट करूंगा, आपको स्मार्ट टिप्स बताऊं या स्टडी टिप्स, आपको सीक्रेट टिप्स बताऊं। उससे पहले अपन छोटी सी एक स्टोरी में आपको बताऊंगा जिससे आप एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को ध्यान से समझें कि वाकई एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितनी रखता है। एक मतलब सिंबॉलिक स्टोरी है जिसको जस्ट अपन एज ए सिंबॉलिक स्टोरी लें जिससे अपने को एक इम्पोर्टेंस पता चलेगी एजुकेशन की। एक राजा थे जो शिकार करने जंगल में गए और बारिश के सीजन में गए, तो बारिश में कभी भी ये अंदाज नहीं लगाया सकता कि बारिश कब होगी या नहीं होगी। जंगल में जाते अंदर तेज काफी आंधी आई और बारिश आई, उनके जो साथ वाले सैनिक थे वो भी कहीं इधर उधर छूट गए और राजा अकेले जंगल में रह गए। काफी देर से कहीं पे कुछ खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, भूख प्यास से काफी परेशान हुए। तभी उन्हें देखा कि तीन बच्चे जो खेल रहे थे कहीं पे, तो उन्होंने बच्चों को आवाज लगाई, बोले बेटा एक काम करो, क्या तुम हमारे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर सकते हो? गांव के बच्चे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल महाराज, बिल्कुल आपके लिए खाने का इंतजाम करेंगे। बच्चे दौड़ गए अपने गाँव की तरफ गए और कुछ खाना लेके आए, पानी पीने को लेके आए और महाराज को दिए। निश्चित तौर पर राजा काफी प्रसन्न हुए, एक भूखे आदमी को खाना मिल गया, प्यासे आदमी को पानी मिल गया। तो महाराज ने तीनों से कहा, बोले आज तुम जो मांगना चाहो
मैं तुमको दूंगा, जो तुमको चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। उसमें से तीन बच्चे थे नेचुरल है, जैसे आज किसी से बोला जाए कि सबसे पहले क्या चाहिए, तो मतलब पैसे की इतनी वैल्यू हो गई है कि सबसे पहले आदमी बोलेगा कि पैसा चाहिए। उसी में से एक लड़का बोला कि महाराज मेरे को तो बहुत धन, बहुत पैसा, बहुत कुछ चाहिए, स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए। अब क्योंकि राजा थे, कैपेबल थे देने के लिए सब कुछ, उन्होंने कहा ठीक है तो मैं बिल्कुल धन धान्य सब कुछ मिलेगा तुम। दूसरे स्टूडेंट से पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, उन्होंने कहा भाई महाराज ऐसा है कि मैं तो मेरे माता पिता के साथ झोंपड़ी में रहता हूँ, घर वर तो है नहीं मेरे पास, तो आप तो एक काम करो, एक अच्छा सा बड़ा बंगला और एक गाड़ी गाड़ी दे दो, अच्छी कुछ इंतजाम दे दो, अच्छा गाड़ी जो पुराने जमानों में रथ या घोड़ा गाड़ी चलते थे बोले उसी का इंतजाम करा दो, एक बहुत बढ़िया सा बंगला दे दो, मेरा काम तो उसमें चल जाएगा। तीसरा बच्चा जो था वो बोला महाराज मुझे तो न तो धन चाहिए न मुझे बंगला चाहिए, आप तो मेरे लिए पढ़ने का इंतजाम करा दो, मुझे ज्ञान प्राप्त करने का कुछ इंतजाम हो जाए, मेरी कहीं से पढ़ाई हो जाए, ऐसा कुछ इंतजाम मेरे लिए आप करा दो। महाराज ने तीनों की इच्छा पूर्ण की और कई साल बीत गए। जिस बच्चे ने पढ़ाई करने के लिए बोला था वो काफी पढ़ लिख के काफी होशियार और काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया और एक दिन वो उसी राजा के यहाँ पे मंत्री बन गया। जब कई 30-35-40 साल बीत गए तो राजा ने कहा कि तुम्हें भी वो घटना याद होगी जब जंगल में मैं फंस गया था, तुम लोगों से मैंने खाने के लिए पीने के लिए कुछ बोला था लाने के लिए, अब मैं चाहता हूँ जो तुम्हारे दोनों मित्र थे वो उनके साथ एक बार अपन साथ में भोजन करें, उनको भी उनके भी हालचाल जाने जाए मतलब। तो राजा की आज्ञा लेके मंत्री ने अपने दोनों दोस्तों को कॉन्टेक्ट किया, बुलाया गया, तीनों खाने पे बैठे तो महाराज ने पूछा उनसे और भाई तुमने तो धन मांगा था, धन दिया था तुम्हें, तुम्हें बड़ा घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, वो सब दिया, और आजकल तुम्हारे क्या हालचाल है? तो पहला वाला जिसने धन मांगा था वो बोला, बोले महाराज आपने इतना धन दे दिया था कि जीवन में कुछ काम करने की इच्छा ही नहीं पैदा हुई मेरे अंदर और धीरे धीरे खर्च कर करके वो धन पूरा खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, जैसा मैं पहली स्थिति में था वैसी स्थिति में ही पहुंच गया। दूसरा वाला बोला, बोले आपने घर वर सब कुछ दे दिया था, थोड़ा बहुत खाने पीने का इंतजाम करता था लेकिन उससे मेरा काम करने में उतना मन नहीं लगा और धीरे धीरे मुझे मकान वकान सब कुछ मेरे हाथ से चला गया, मकान बेच के मैंने बहुत दिन तक अपना खाना पीना चलाया और धीरे धीरे मैं भी उसी स्थिति में पहुंच गया। तब राजा ने कहा कि देखो तुम दोनों ने धन मांगा था, ये जो तीसरा तुम्हारा दोस्त है वो मेरे यहाँ मंत्री है, इसने क्योंकि इतनी शिक्षा प्राप्त कर ली है, अब मैं अगर चाहूं तो भी तुमको मंत्री नहीं बना सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि एजुकेशन जो है वही जीवन बनाती है। आप ये ध्यान रखिए कि चंद्रगुप्त क्या था, चंद्रगुप्त को अगर सम्राट चंद्रगुप्त बनाया तो वो चाणक्य के नॉलेज ने बनाया, वो चाणक्य की शिक्षा ने बनाया। चाणक्य अगर कोई चंद्रगुप्त को ढेर सारा पैसा, ढेर सारा रुपया या कुछ भी दे सकता था तब भी चंद्रगुप्त कभी भी सम्राट चंद्रगुप्त नहीं बनते और एक महान शासक नहीं बनते, जो आज भी इतिहास में उनका नाम दर्ज है और आज हम उनको याद करते हैं। अब अपन आते हैं स्टडी टिप्स पे आते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि बहुत सारी ट्रिक्स हैं, बहुत लोग अलग अलग टाइप की ट्रिक्स बताते हैं और ये तो मैं आपको 5 सीक्रेट स्टडी मेथड ऑफ टॉपर्स की बता रहा हूँ। क्या है कि हर स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ता है वो सबका मन करता है कि वो टॉपर हो, सबका मन करता है, वो उतने एफर्ट लगाता है या नहीं लगाता लेकिन सबका मन जरूर करता है कि काश मैं भी क्लास में नंबर वन आ जाऊं, मैं भी स्कूल में नंबर वन आ जाऊं, मैं भी टॉपर आ जाऊं। अब एक सबसे जो एक कॉन्सेप्चुअल बात है कि जब हम कुछ भी सीखना चालू करते हैं उसमें सबसे पहला जो सीक्रेट नंबर है वो राइट फर्स्ट टाइम, आप पहली बार में किसी भी कॉन्सेप्ट को समझते हैं वो आपने कहां से सीखा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर छोटा बच्चा 5-6 साल का यदि उल्टे हाथ से खाना स्टार्ट कर दे और अगर उसे कोई ना टोके तो वो लाइफ टाइम फिर उल्टे हाथ से ही खाना खाता रहता है, फिर उसको सीधे हाथ से खाना खाने की याद नहीं आती, ठीक है। तो वैसे ही अगर हमने कोई भी कॉन्सेप्ट को किसी उससे सीखा है, यानी अगर हमें कंफ्यूजिंग स्टेट में अगर हमें कोई चीज किसी टीचर ने पढ़ाया है या हमने किसी राइट लिटरेचर से नहीं पढ़ा या राइट किसी टीचर से नहीं पढ़ा तो वो हमारे लिए काफी ज्यादा वो है। इसलिए जब भी आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आज भी अगर अपन बात करें पेंडेमिक में लोग काफी वीडियो लेक्चर से पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी पढ़ाई करते हैं, कुछ यूट्यूब पे भी वीडियो सर्च करते हैं, लेकिन अगर आपको वहां पे जिन लोगों ने लेक्चर जो लोग दे रहे हैं अगर उनका एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, फंडामेंटली वो उस चीज को बारीकी से नहीं जानते हैं, तो आप क्योंकि फर्स्ट टाइम अभी आप 10th में हैं
अगर आप उसको फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो एक बार जो आइडिया उन्होंने दिया है आपको, अगर वो जिस तरह से दिया है, चाहे उसमें थोड़ा बहुत गलत तरीके से भी दिया गया है, तो आप उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेंगे और वही हमेशा आपको याद रहेगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपकी स्मार्ट ट्रिक में सबसे पहले आपको ये जरूर तय करना है कि आपको लिटरेचर या आपको आपकी जो लर्निंग है वो कहाँ से हो रही है। सो दिस इज अ वेरी स्मार्ट ट्रिक विच कीप्स द टॉपर्स वन स्टेप अहेड ऑफ अदर्स। दिस मीन्स दैट यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट वेयर यू लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम और फॉर द फर्स्ट टाइम। इसलिए ये जो जिनने लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है, लेजेंडरी लेक्चर्स सीरीज ने लेक्चर ऑर्गेनाइज किया है, जैसे इनके मैंने वीडियोस देखे हैं या इनके टीचर्स देखे हैं, इनको काफी वास्ट एक्सपीरियंस है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है और काफी थोरोली स्टडी करके कंटेंट बनाया गया है। तो जो बात मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो किस कंटेंट के साथ करते हैं, किस मटेरियल के साथ करते हैं, किस टीचर के साथ करते हैं। सो वी आर ऑफ्टन सराउंडेड बाय मल्टीपल एजुकेटर्स लाइक यूर क्लास टीचर, ट्यूशन टीचर, द इंटरनेट, ए फ्रेंड और इवन ए पेरेंट। आप एक बात आपने हमेशा समझी होगी कि आपके जितने भी रिश्तेदार में होते हैं, आप उनसे कभी भी कोई राय मांगोगे तो वो मना नहीं करेंगे। मैं मतलब एग्जांपल लूं कि अगर मान लो आपको अच्छा स्विमर बनना है और आप अपने चाचा जी के पास गए कि बोले चाचा जी मेरे को अच्छा स्विमर बनना है, कुछ टेक्निक बताइए, तो चाचा जी ये नहीं बोलेंगे कि बेटा मैंने तो तैराकी सीखी नहीं है, मैं तुम्हें कैसे स्विमिंग की टेक्निक बता सकता हूँ। लेकिन चाचा जी जरूर आपको स्विमिंग की टेक्निक बता देंगे भले ही उन्होंने कभी जीवन में तैराकी ना की। तो ये हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि आपको ये हमेशा तय करना है, अगर आपको आईएएस बनना है, आपको अच्छी पढ़ाई करनी है, तो ये निश्चित तौर पे आपको ये तय करना है कि आपके क्वेश्चन जिनसे करने वाले हैं, जिनसे सीखने वाले हैं, उनको उसका कितना एक्सपीरियंस है, उस चीज का कितना नॉलेज है। एंड वंस कंफ्यूजन एंटर्स द माइंड इट स्टेज देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो इफ यू आर starting with a new concept, learn that new topic from the most reliable educator for the first time. ये जो line है इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। Learn that new topic from the most reliable educator for the first time, whoever or whatever it may be. This will give you the complete clarity from the world. Go and they even revision just make it stronger. अगर आपने कभी भी किसी से अगर Newton's का मान लो first law किसी ने आपको सिखाया है, टीच किया है, तो जो आपको फंडामेंटली एक बार किसी ने न्यूटन्स लॉ सिखाया, अच्छे से सिखाया, तो वो आपको हमेशा लाइफ टाइम याद रहेगा। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आप सीख रहे हैं वो किसी रिलायबल एजुकेटर से सीख रहे हैं, किसी रिलायबल कंटेंट से सीख रहे हैं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। तो ये एक फर्स्ट जो आपको सीक्रेट मैंने बताया। नेक्स्ट है आपका स्टिकी नोट्स। स्टिकी नोट्स से मीनिंग क्या होता है कि जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं कि अगर अपन बुक्स की बात करें, ठीक है ना, ढेरों किताबें मार्केट में, खूब सारी किताबें हैं, खूब सारे पब्लिकेशन हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खुद अपना कॉपी पेन लेके नोट्स नहीं बनाते हैं, खास खास पॉइंट नहीं लिखते हैं, जो आपको एग्जाम के समय आपको जो 10 मिनट का रिविजन करते हैं या 15 मिनट का रिविजन करते हैं, एक जो आपके खास खास पॉइंट्स होते हैं उनका रिवीजन करने के लिए जब आप नोट्स थोड़े से प्रिपेयर करके रखते हैं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है आपको मेमोराइज करने में, या आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा वो आपकी मदद करती है। अभी कंटिन्यू आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. तो जो मैं बात आपको बोल रहा था, so what we tend to do at the last minute is that we get caught in the busy traffic of exchanging notes, scanning or sharing notes in group chats. Now this is a secret study tip of toppers. They stick to their own notes which they have created on their own from the start of the year, and they never let someone else's style of writing confuse them. अब ये हमेशा एक बात याद रखिए कि जो हमारा खुद का लिखा हुआ रहता है ना, वो कभी भी दोबारा हमें मिलता है तो वो ही अपने आप में ये याद दिलाता है आपको कि आपने एटलीस्ट एक बार कम से कम उसकी पढ़ाई की। वो आपको ये याद दिलाता है कि आपने एक बार थोरली उसकी स्टडी की है और इसलिए ही आपने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। वैसे भी उसमें इंग्लिश में एक कहावत है पढ़ाई करने के लिए कि रीड मच, राइट मोर एंड थिंक मोस्ट।
ठीक है ना। तो जितना हम पढ़ते हैं उससे ज्यादा लिखना चाहिए, और जितना हम लिखते हैं उससे भी ज्यादा हमारा थिंकिंग लेवल होना चाहिए। थिंक मोस्ट का मतलब है मनन करना, दिमाग के अंदर सोचना। जब आप कोई चीज को याद कर लेते हैं तो अपने खाली टाइम में बैठ के उसको रिवाइज करना, ठीक है ना। जैसे कि हमने भाई ये चीज पढ़ी है तो हमें क्या, हम उसके बारे में थोड़ा सा खाली टाइम में अगर उसको आप थोड़ा सा मनन करेंगे, दिमाग के अंदर रिवीजन करेंगे। एक अपन रिवीजन करते हैं जब हमारी ओपन बुक होती है, कॉपी हमारी खुली हुई रहती है, तब हम रिवीजन करते हैं। एक जब कॉपी किताब नहीं है तब हम सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आ सकता है, इसका आंसर ये होगा। हमें तब मतलब दिमाग के अंदर खाली टाइम में आप उसको अगर रिवाइज करते रहें तो वो आपको काफी हेल्प करता है। तो बेसिकली दो चीजें आप हमेशा याद रखिए कि एग्जाम पैटर्न तो ऐसा हो गया है कि भाई हम खाली एग्जाम के लिए पढ़ाई करें और फिर जिस दिन एग्जाम होती है उसके बाद भूल जाए। लेकिन आप पढ़ाई के साथ साथ आप एक लर्निंग मोड में भी आपको रहना है। आपको खाली न्यूटन्स का नियम इसलिए नहीं सीखना है कि एग्जाम में लिखना है तो आपने वर्ड टू वर्ड लिख दिया न्यूटन्स का लॉ, आपने खाली उसमें सीख लिया कि जब कोई बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, या इनर्शिया लॉ जो फर्स्ट लॉ बेसिकली इनर्शिया लॉ है वो सिर्फ आपने पढ़ लिया, ठीक है ना। अगर आप उसको समझ भी लेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जब बस में ब्रेक लग रहा है तो आप पहले से थोड़ा टाइटली जो आपका पोल है या जो हैंगिंग पकड़ने के लगे रहते हैं उसको आप टाइट पकड़ लो, क्योंकि आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ा हुआ है और आपको मालूम है कि अब जब बस ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो हम आगे की तरफ जाएंगे। तो आप थोड़े से, क्योंकि आप अब ये पढ़ चुके हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपने आप को गिरने नहीं देंगे, आगे की तरफ नहीं जाने देंगे, उससे पहले ही आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे। तो एजुकेशन का हमें ये फायदा है, सिर्फ हम एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते, हम बेसिकली लर्निंग प्रोसेस में भी होते हैं, हम कुछ सीखने के लिए भी हम पढ़ाई करते हैं। सो फाइनली, सो सिट विथ योर कलर्ड पेन एंड नोटबुक्स राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड मेक नोट्स, रिवाइज देम मल्टीपल टाइम्स, कीप एडिंग लिटिल स्क्विल्स टू द इफ यू विश टू एंड बट रीड ओनली दोज टुवर्ड्स द एंड। ऊपर स्मार्ट्स को भी डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, एज फॉर स्पेसिफिक एम मेजरेबल, ठीक है ना, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। अभी आप ये मान के चलिए, मैं हमेशा 10th वाले बच्चों को बोलता हूं एक बात कि 10th क्लास में जब आप होते हैं तो आपको आगे कितनी पढ़ाई करनी है, आगे आपको 11, 12 दो साल और ग्रेजुएशन अगर मैं 4 साल कंसिडर करूं तो 6 ईयर। यानी अगर आप 10th को अगर अपन शामिल कर लें, 10th हमारा रनिंग में है, इसके बाद हमें 6 ईयर पढ़ाई और करना है। कम से कम ग्रेजुएशन तो हर कोई स्टूडेंट करेगा ही करेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और ये जो आपके 6 ईयर्स हैं, ये आफ्टर जो 60 ईयर्स हैं उसके लिए आप ये 6 ईयर का इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये डिसाइड आपको करना है कि आपको 6 साल मौज मस्ती करना है, 60 साल अपने खराब करने हैं, या 6 साल आपको अच्छे से हार्डवर्क करना है, मेहनत करना है, और 60 साल आपको आराम करना है। आराम से मेरा मतलब है कि जब आपको अच्छा जॉब मिल जाएगा तो लाइफ आपकी थोड़ी सी स्मूथ रहेगी, कंफर्टेबल रहेगी। तो ये जो 660 का फंडा है, यानी आप अगर 6 साल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10 टाइम्स जो आपका बचा हुआ टाइम है, क्योंकि आप ग्रेजुएशन करते करते 2021 के हो जाएंगे, उसमें 60 ऐड करो तो अप्रोक्सीमेट 80 प्लस के आप हो गए, ठीक है ना। आप सब 100 प्लस जी हैं, एक टेंटेटिव बात कर रहे हैं अपन। तो ये 6 साल आपकी आने वाली 60 साल की जिंदगी को डिसाइड करते हैं। आप ये ध्यान दीजिए कि हमारी ये जो पढ़ाई है ये हमें क्या देने वाली है। आपकी मर्जी है कि हमें सब्जी का ठेला लगाना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता सब्जी बेचना कोई खराब है या सब्जी जो बेचते हैं वो अच्छे लोग नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप पढ़ाई करके IAS बन सकते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट की, मैं जिला कलेक्टर बन सकते हैं और कुछ मतलब पॉलिसी मेकर बन सकते हैं कि आप भाई जो वो सारे स्टूडेंट जो जीवन में कुछ करना तो चाहते हैं, लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो भी कोई कुछ करना चाहता है वो कैसे कर पाएगा जब तक उसके पास कोई पावर नहीं हो, कोई कैपेबिलिटी नहीं हो। और पावर, कैपेबिलिटी, ये सब हमारी पढ़ाई के बल पर हम आने वाले टाइम में पा सकते हैं। यदि आपको IAS बनना है, कुछ पॉलिसी मेकर बनना है, तो आपको IAS बनना पड़ेगा। जब आप IAS वाली पावर आपके हाथ, तो आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ सोशल के लिए, कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब आप कैपेबल हैं। लेकिन यदि आप कुछ आपने पढ़ाई लिखाई नहीं पढ़ी और छोटा मोटा कुछ काम आप करते हैं और तब आप सोचते हैं कि मैं समाज में कोई नई क्रांति ला दूं, मैं कुछ पॉलिसी बना दूं, कुछ बना दूं, तो वो डिफिकल्ट है, ठीक है ना। इसलिए आपको पढ़ाई में इस समय बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है, और ये पेंडेमिक टाइम में आपको ये खास ध्यान देना है कि जहां पे
सभी का एक साल वाला लास्ट ईयर वाला जो एजुकेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है। चाहे जो कोई नाइन्थ में था नाइन्थ में, या जो आज इलेवेंथ में वो टेंथ में रहा होगा, जो भी एक साल पहले के ऑलमोस्ट लोगों ने घर से पढ़ाई की, ऑलमोस्ट लोगों ने घर से पढ़ाई की है। और क्योंकि कोरोना के टाइम में पूरे समय दिमाग पे या स्ट्रेस भी रहा, या घर में कोई बीमार पड़ गया उसका भी दिमाग पे असर रहा। धीरे धीरे वैक्सीनेशन हो रहा है, और क्योंकि बिलो 18 भी तो धीरे धीरे वो भी अगस्त सितंबर से जो आपके 9 10th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी वैक्सीनेशन हो जाएगा, और होपफुली सब कुछ अच्छा टाइम आएगा। लेकिन फिर भी हमें हमारी जो पढ़ाई है वो तो हमें कंटिन्यूटी में रखना ही है। आगे अगर मैं बात करूं आपकी सीक्रेट नंबर 3 की, कि साइट बिफोर गुड नाइट, समटाइम्स वी आर लाइक ओवर एक्साइटेड टू कंप्लीट द सिलेबस, वी वांट टू बी दैट फ्रेंड हु पिक अप द फोन एंड सेज आई हैव कंप्लीटेड 10 चैप्टर्स टुडे एंड देयर साइलेंस एट द अदर। अच्छा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, खासकर जब एग्जाम आपकी चलती है ना, तो कभी अपने दोस्त को फोन लगा के मत पूछना कि भाई तूने क्या कर लिया, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन रहता है। अच्छा, कैसा भी स्टूडेंट हो उधर, अगर उसने कह दिया कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है ना, 100% कवर कर लिया, और अगर आप नहीं कर पाए हैं तो भी आपको स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, आप मतलब अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगे, आपको इस बात की चिंता हो गई कि उसने तो सारा पढ़ लिया, मैं तो अभी पढ़ नहीं पाया। इन केस अगर उसने ये कह दिया कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है ना, देखा जाएगा जो कल जो भी पेपर में आएगा, तो वो आपको भी निश्चिंता में ला देगा, आपको भी सुन के लगेगा जब यही चिंता नहीं कर रहा तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। इसलिए एग्जाम टाइम में जहां तक हो सके आप अपने पे ध्यान दीजिए, आपने कितनी तैयारी की है उसी को रिवाइज करिए और उसी के बारे में सोचिए बस। अगर उसी से कंसंट्रेट रहेंगे तो आप कम से कम दूसरे दिन एग्जाम में अच्छा अपना प्रेजेंटेशन देंगे और अच्छी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है ना। अब मेरा तो कहना रहता है कि जैसे एग्जाम का टाइम टेबल आ जाए तो आपका जितना भी व्हाट्सएप है या जो भी आपका सोशल मीडिया है, महीने भर के लिए, जैसे अपन कोई जॉब में रहता है तो एक महीने की छुट्टी मांगता है ना अपने बॉस से, एक महीने की छुट्टी देते, तो आप भी क्या है कि व्हाट्सएप सीईओ को या ट्विटर को या जो कुछ भी सोशल मीडिया आप यूज करते हैं उनके नाम की एप्लीकेशन लिख के घर पे रख दिया करो कि बोल मैं एक महीने अब आपका ये ट्विटर व्हाट्सएप और फेसबुक और ये इसको यूज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। मतलब एप्लीकेशन लिखने से मेरा मतलब सिंबॉलिक है कि आप कोई एप्लीकेशन लिख के ये रख दोगे और फिर भी यूज करोगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, मेरा मतलब है यूज नहीं करना है। So, but have you ever seen a topper say this? Toppers know that our memories. अब इस दुनिया में सब कुछ आप जानते हैं कि हमें कितनी भी चीज समझ में आ जाए, मान लो हमें पूरी फिजिक्स समझ में आ गई, पूरा मैथ समझ में आ गया, लेकिन आफ्टर ऑल जब एग्जाम में लिखना है अगर फिजिक्स, तो वहां तो जो न्यूटन के लॉ जो जिस स्टैंडर्ड वर्ड्स में लिखा जाता है, या ग्रेविटेशन लॉ जिस स्टैंडर्ड वर्ड में लिखा जाता है, ठीक है ना, या आपको रिफ्लेक्शन आप लॉज लिखना है वो जिस स्टैंडर्ड वर्ड्स में लिखा जाता है उसी वर्ड में जब आप लिखेंगे तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनली आपको ये करना पड़ेगा कि आप एक रिवीजन प्रैक्टिस जरूर रखें आप, ठीक है ना। एक रिवीजन प्रैक्टिस क्या है, ठीक है ना, एक पहले बोलते थे भाई तीन चीजें हैं कि घोड़ा अड़ा क्यों, मेरी बात को सुनना आप ध्यान से, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, और विद्या बिसरी क्यों, बिसरी मतलब भूलना। इन सब का एक ही हिंदी में बोला जाता है कि फेरा नहीं गया, फेरा मतलब रिवाइज नहीं गया। अगर आप घोड़ा खरीद लें और उसको कभी घुमाने न ले जाएं आप, ठीक है ना, यानी बंधा हुआ है, साल भर से बंधा हुआ है, और एक दिन आपका मन किया बारिश में कि चलो घोड़े पे बैठ के जरा राइडिंग करके आते हैं, अब घोड़े ने कभी पानी भरा हुआ देखा नहीं, गड्ढा देखा नहीं, कहीं रास्ते में पत्थर पड़े हैं वो देखा नहीं, तो जैसे गड्ढा कहीं देखेगा रुक जाएगा, पर उसकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं है, उसकी कोई आदत ही नहीं है, मतलब ठीक है ना। पान जो होता है ना पत्ता, जिसको पान खाते भी हैं, ठीक है ना, अगर वो पत्ता एक ही साइड रखा रहे तो वो सड़ जाएगा, ठीक है ना, इसको बोलते हैं फेरा नहीं, मतलब ऐसे ऐसे नहीं किया, उसे अदली बदली नहीं की, ठीक है, हवा नहीं लगी उसे नीचे से। और विद्या बिसरी नहीं, विद्या किसी को कितनी भी मिल जाए, ज्ञान किसी को कितना भी मिल जाए, अगर उसको रिवाइज नहीं किया तो वो धीरे धीरे आपको मेमोरी से जाने लगती है। और एक मजेदार बात है कि आप मतलब भले ही उसको लगातार पढ़ते रहें और याद रखने का प्रयास ना भी करें तो भी आपको वो धीरे धीरे मेमोराइज हो जाएगी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो भागवत कथा करते हैं,
या पंडित या मंदिर के पुजारी होते हैं, आरती गाते हैं रोज, ठीक है ना, या मतलब जो भी ये मतलब लंबी लंबे मंत्र जो बोलते हैं पंडित जी, ये कभी याद नहीं करते उनको, लेकिन ये रिपीटेडली रिपीटेडली जब ये लगातार लगातार बोलते हैं, उससे क्या होता है, इनको वो मेमोराइज हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप भी अगर लगातार लगातार पढ़ते हैं, रीड करते रहते हैं, मैं आपको कोई रटने वाली बात नहीं बोल रहा, वो धीरे धीरे हमारे कॉन्शियस माइंड में जाता रहता है और धीरे धीरे वो हमारे दिमाग में बैठने लगता है। सो व्हाट वी हैव रीड टुडे वी आर लाइकली टू फॉरगेट टुमारो। टॉपर्स नो दैट स्पेस रिविजन इज द की टू गुड मेमोराइजेशन, बट वी हैव सो मच टू लर्न इफ वी कीप रिवाइजिंग व्हाट वी स्टडीड अर्लियर, देन हाउ विल वी एवर कंप्लीट अवर सिलेबस। Besides, everyone knows about revision. How is that even a secret? Kya secret hai? Now the real secret here is learning that art of quick revision and making it a habit. ठीक है ना, एक दिन revision कर लिया और बाकी दिन कुछ नहीं करना तो वो भी नहीं, आपको इसको habit में डालना है. So at night, just before going to sleep, keep a habit of opening your notes and just go through it just for 10 minutes. जब आप ज्यादातर समय पढ़ते रहते हैं तब आपको रिवीजन के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, ठीक है ना। जैसे जब आप लगातार लगातार पंडित जी भी पढ़ते हैं ना, तो वो मंत्र इतनी तेज पढ़ते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, मतलब मंत्र कई बार आपको समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो वैसे ही क्योंकि उनको वो मालूम है वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे ही जब आप लगातार लगातार पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपका रिवीजन भी उतना फास्ट होता है। आपने ऐसे 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 जैसे अपन एग्जाम के 10 मिनट पहले पूरी कॉपी का रिवीजन कर लेते हैं, पूरी किताब का रिवीजन कर लेते हैं, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आपको वो जो एक एक वर्ड जो पुराना पढ़ा हुआ है, जब वो आपको दोबारा दिखाई देता है और आपके दिमाग में मीनिंग मेकआउट करता है, तब आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो वैसे ही जब भी हम कोई दिन भर पढ़ते हैं और सिर्फ सोने से पहले आपने उसको 10 मिनट रिवाइज कर लिया, सोने से पहले गुड नाइट से गुड नाइट बोलने से पहले अपने आप को गुड नाइट बोल दो, अकेले सोते हो तो सोने उससे गुड नाइट बोलने से पहले आपने 10 मिनट अगर आपने उसको रिवाइज कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि आप और वो प्रैक्टिस बना लिया आपने, तो आप डेली के डेली एक मतलब दिमाग में आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो धीरे धीरे बैठ रहा है, और वो आपको एग्जाम टाइम में जब आप चाहेंगे, कभी भी आपने ये फील किया होगा कि आप पूरी किताब या पूरा सिलेबस कवर करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही आपके हाथ में एग्जाम में पेपर मिलता है, आपका दिमाग का प्रोसेसर तो आप समझिए कितना पावरफुल है, कि जैसे ही आपके हाथ में पेपर मिलता है आपको वो 10 क्वेश्चन का आंसर दिमाग निकाल के देता है, बाकी का कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। यानी अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें धीरे 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 मेमोरी में कलेक्ट हो रही हैं, ये ना जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में अपन डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, तो जब भी अपन जो फाइल चाहिए सर्च करते हैं तो वो आपको देता है ढूंढ के, ऐसे ही अपना दिमाग है, ठीक है ना। अगर आपने उसमें सारी पढ़ाई को स्टोरेज किया हुआ है, ठीक है ना, तो वो आपको ढूंढ के देगा। सो यूर सबकॉन्शियस ब्रेन विल डू ऑल द हार्ड वर्क एट नाइट व्हाइल यू स्लीप एंड यू विल हैव ए स्ट्रॉन्ग रिकलेक्शन द नेक्स्ट मॉर्निंग, ठीक। और मैं कभी किसी को एडवाइस नहीं करता, जैसे मान लो नेक्स्ट डे पेपर है तो पूरी रात पढ़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ठीक है ना। कंटिन्यूटी में अगर आप पूरी रात कहेंगे, आपको नेचुरल आपकी एनर्जी भी डाउन होगी और थकान होगी। एग्जाम से कम मॉर्निंग टाइम में सोना जरूरी है, आप या रात को जल्दी सो जाइए, आप अगर मान लो कल पेपर है हमारा, आप 9 बजे सो जाए, मॉर्निंग भले 4 बजे उठ जाए, लेकिन रात को 12 2 3 बजे तक पढ़े और फिर सवेरे नींद ही नहीं खुल रही, हमारी आंखें अपने आप बंद हो रही हैं, ऐसा काम नहीं करें। पेटोस प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, मतलब कि ये एक ऐसा है, ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ, ये मतलब ऐसी है कि जब तक आप पुराने 4-5 साल के पेपर अगर आप देख लेते हैं, ठीक है ना, तब आपको एक चीज पता चल जाती है, आप ये जान जाते हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेंट के पार्ट में से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। उसके लिए कोई जासूस या कोई हेल्प लेने किसी और की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप 5 साल के पेपर पुराने देख लीजिए, आपको उसमें एक पैटर्न समझ में आता है कि जो हमारा टोटल 100% सिलेबस है, उस 100% सिलेबस में से हम देखते हैं कि 40-50% में से 90% पूछ लिया, उससे हमें काफी, अब नेचुरल है अगर आप ये टेक्निक अपनाते हैं, लेकिन ये टेक्निक सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये टेक्निक लर्निंग प्रोसेस से नहीं है कि आप एक सिलेबस का आधा पौना हिस्सा ही छोड़ दें पढ़ाई करने से, ठीक है ना, वो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ।
आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा टेक्स्ट बुक कम से कम 2 या 3 बार वर्ड टू वर्ड पढ़ना चाहिए, जैसे बोलते हैं ना वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द हमने पढ़ा हो। जब कोई कॉन्फिडेंटली किसी को बोलता है ना कि फलाने पेज नंबर पे, ये वाले पैरा नंबर पे, ये वाली लाइन, ये वाला श्लोक, वो तभी बोल पाते हैं जब आपने वर्ड टू वर्ड किसी को स्टडी किया। ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो रामायण की दोहे का नंबर बता देंगे, चौपाई बता देंगे, कौन से कांड की है, कौन से नंबर पे, कौन से उस पर लिखी गई है, क्या उसका मतलब। तो ए टॉपर इज नॉट नेसेसरली द पर्सन विद द मोस्ट नॉलेज, बट डेफिनेटली समवन हु नोज हाउ टू राइट द बेस्ट आंसर इन एन एग्जामिनेशन। एक चीज और, अब एग्जामिनेशन की बात आई तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जब भी पेपर आपके हाथ में आए, थोरोली पेपर को रीड करना है अच्छे से। जब थोरोली आप पेपर रीड कर लेंगे, डेफिनेटली पेपर आपके दिमाग में 3 इंप्रेशन देगा। 3 इंप्रेशन कैसे देगा? कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से आपसे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 70-80% आपसे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे उसमें जो 40-50% आपसे बनते हैं, ठीक है ना। वो नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब पर्टिकुलर स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा कि कोई बहुत ही ज्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट है तो हो सकता है उसको पूरे 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो आपको काम करना है कि सबसे पहले जो बहुत अच्छा बनता है क्वेश्चन, उससे स्टार्ट करना। कई लोगों के दिमाग में ये चिंता बनी रहती है कि क्वेश्चन नंबर 1 या 2 से ही स्टार्ट करूं, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो आपसे बेस्ट बनता है आपको वहीं से स्टार्ट करना है, उसी से आपको लिखना स्टार्ट करना है। फिर आपको बीच में जो आपको थोड़े बहुत मतलब एवरेज बन रहे थे उनको अटेम्प्ट करेंगे, और लास्ट में फिर से एक क्वेश्चन अच्छा बचा के आप रखेंगे जो बहुत अच्छा है, वो भी वैल्यूअर। सपोज मैं एक वैल्यूअर, ठीक है ना, जैसे ही मैंने आपका पहला क्वेश्चन देखा, उसका आंसर देखा, एक इंप्रेशन बना लिया मैंने आपके बारे में, ठीक है ना। और एक दो क्वेश्चन जब मैंने थोरोली देखे, अब मेरी बारीकी से देखने की इच्छा कम होना स्टार्ट हो गई। क्यों कम होना स्टार्ट हो गई? मुझे मालूम है कि आप इंटेलिजेंट है, आपने जो कुछ लिखा है बहुत बढ़िया लिखा है, और मैं फास्ट फॉरवर्ड देखता देखता कॉपी के एंड में जब पहुंचूंगा वहां भी आपने बहुत बढ़िया लिखा है। अल्टीमेटली आपको वैल्यूअर जो है, क्योंकि आप वहां पर मौजूद नहीं है, जो कुछ है वो आपकी कॉपी बोलने वाली है, ठीक है ना, और कॉपी जैसा आप छोड़ के जाएंगे वही बोलेगी। तो ये टेक्निक है, ये इस तरह से अगर आप कॉपी में लिखेंगे तो थोड़ा सा आपको बेनिफिट ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। सो ए फेमस इकोनॉमिस्ट विल्फोल्डो पेटो कॉइन्ड द फेमस पेरेटो प्रिंसिपल, और 70-30 रेशो उसको बोलते हैं, वो 60-40 भी अपन मान सकते हैं उसको। ये रेशो वही है कि मतलब किसी कंटेंट में से 30-40% में से 90% अगर सिलेबस में पूछा जाता है उसको बहुत अच्छे से करके जाना। पढ़ना पूरा है लेकिन वो वाला पोर्शन जहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हमें बहुत बारीकी से और अच्छे से पढ़ाई करके जाना। सो दिस इज ए ग्रेट टेक्निक टू यूज व्हेन वी हैव टू मेनी थिंग्स टू डू एंड वी नीड टू चूज ए फ्यू ऑफ देम। सो अकॉर्डिंग टू पीरियड प्रिंसिपल अबाउट 70-80 ऑफ योर क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम 30-40% ऑफ योर सिलेबस, एंड टॉपर सीक्रेटली फाइंड आउट व्हाट दैट 30-40% मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज। सीक्रेट नंबर 5, क्लोज योर बुक्स, ठीक है ना। क्लोज योर बुक्स तो तभी हो पाएगा जब बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर, ठीक है ना, कि हाँ भाई अब मेरा काम तो बहुत अच्छे से हो गया, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस भी लाने की कंडीशन में आप चारों स्टेप को फॉलो करते हुए आएंगे तो आप यहाँ भी पहुंच जाएंगे, क्लोज योर बुक्स तक भी पहुंच जाएंगे। दिस सीक्रेट टिप विल सरप्राइज यू, द मोस्ट स्टडीज हैव शोन दैट अवर ब्रेन प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन मच बेटर व्हेन वी अलाउ इट टू ब्रीथ इन अ लिटिल बिट। दिस मींस दैट व्हेन यू आर स्टडीइंग with an open book, we keep on feeding our brain with a new information and it gets very little time to process anything. On the other hand, if you read a topic and close the book and try to think about it, this is where the brain tries to interlink various other thoughts to make a concrete understanding. So let your brain chill a little bit and see the magic. इसको मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ तो आपको बात समझ आएगी, और आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, आपको इतनी जल्दी चीजें याद होंगी कि आप सरप्राइज होंगे कि ये मैं ही हूं जो मुझे याद हो रहा है। आप एक बार थोरोली रीड कीजिए, बंद कर दीजिए किताब, क्लोज योर बुक्स है ना, सीक्रेट अपना क्या है, बुक क्लोज कर दीजिए, बंद कर दीजिए, जो आपने पढ़ा उसको लिखने का प्रयास कीजिए, जितना भी बनता है।
अब तो एक बार में सब कुछ बन जाता तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है ना। लिखिए अब जितना भी आपसे बन रहा है, बन गया, अब आपने लिख लिया, अब फिर बुक ओपन कीजिए और देखिए। हमारे दिमाग की एक खासियत है, जब हम कुछ पढ़ा हुआ रहे, कुछ भी चीज हमें पता होती है और जब हम उसको जितना मैक्सिमम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं, तो मिसिंग चीज को दिमाग जल्दी लर्न करता है कि क्या क्या हमारे दिमाग ने छोड़ दिया था। अब आपको ये टैली करना है कि वाकई कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं नहीं याद रख पाया और मेरे से छूट गए। अब सेकंड टाइम आप क्या करेंगे, सिर्फ वही पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी तो आपने पहले लिख चुके हैं तो वो आपको अच्छे से बनता है। यानी एक बार और रीड करेंगे, अब आप फिर से लिखेंगे, अब आप 75% लिखने में कैपेबल हैं जो आपने पढ़ा है। एक बार और करना कि क्या मिसिंग 25% मिसिंग क्या छूट गया। तीसरी बार जब आप करेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि यू आर एबल टू रिप्रोड्यूस 90% ऑफ कंटेंट हैव यू रीड, जो आपने पढ़ा है उसका 90% कंटेंट आप इजीली कंफर्टेबली लिख पाए, ठीक है ना। ये तो एक करंट टाइम की बात हो गई, नेचुरल है, कोई बोला कि साहब 10 दिन बाद क्या होगा, उसी के लिए हम रिवीजन वाला वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप ये अभी आपका प्रिपेयर्ड हुआ है, इसको अगर आप एक साल बाद सोचेंगे कि मुझे वैसा ही याद रहे तो ये जरूरी नहीं है। इसको बीच बीच में वो जो मैंने 10 मिनट्स वाला रिवीजन वाली बात आपको बताई है, अगर वो आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये धीरे 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 प्रैक्टिस में आएगा। और आपकी भाई क्या है कि देखो, भगवान ने जो दिमाग दिया है ना, ज्यादातर चीजें दिमाग दिया है, जो कुछ भी दिया है बॉडी में, वो सब जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी स्ट्रेंथ उसकी बढ़ेगी, घटेगी नहीं, ठीक है ना। जैसे एक जिम में जाके अपनी बॉडी बना लेता है ना, वो जिम में जाता है, डेली प्रैक्टिस करता है, 3 घंटे 2 घंटे अपना डंबल उठा रहा है या मशीन से वर्कआउट कर रहा है। अब दिमाग के लिए क्या है, दिमाग के लिए एक्सरसाइज का जिम क्या है, दिमाग के लिए एक्सरसाइज का जिम यही है कि आपने कुछ पढ़ा, बाद में उसको याद रखने का प्रयास किया और देखा कितना याद रहता है, इसकी प्रैक्टिस की आपने बार बार, ये है दिमाग की एक्सरसाइज, ठीक है ना। और धीरे धीरे आपकी ब्रेन की जो एफिशिएंसी है ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। लेक्चर के एंड में जो भी कुछ डाउट्स मेरे, मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें जो भी कुछ डाउट्स आए, आप बी फ्रेंकली मुझसे पूछिए, जैसा भी आपको लगता है मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आगे बढ़ते हैं हम। Researchers has shown that the pupil remember humorous things much more readily and for longer duration due to increased alertness and reduced negative emotions. So the trick of making a joke out of concept of slipping it to some humorous conversation with your friends or sibling will give you an edge over other students, and this trick will not only help you to remember any topic but also keep you free from stress, increase your energy level and make the topic more interesting. अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अब तो काफी दिन से सिनेमा हॉल बंद है, लेकिन फिर भी साल भर पहले तो आप सिनेमा देखने गए ही होंगे, कोई ना कोई फिल्म देखी होगी आपने। आप में से कभी भी कोई पेन डायरी लेके सिनेमा हॉल गए? कोई नहीं गया ना, जाता भी नहीं है कि क्या याद, क्या लिख के लाना है पॉइंट वन, कोई नहीं लेके जाता। उसके बाद भी आपको बहुत कुछ याद रहता है, डायलॉग्स याद रहते हैं, गाने याद रहते हैं, सीन याद रहते हैं, पीछे का जो कहीं का अगर स्पेशल कोई सीन लिया है तो वो अच्छे से याद रहता है, सब कुछ याद रहता है। यानी आप कोई कॉपी लेके नहीं गए, पेन लेके नहीं गए, 3 घंटे की फिल्म में से 2 घंटे की फिल्म याद रख के बाहर आ गए। कैसे हुआ है चमत्कार? ये चमत्कार ये लास्ट वाली ट्रिप से आपको बता रहे कि वहां जिस तरीके से आपको फिल्म में दिखाया गया है या बताया गया है इसी तरीके से, और दूसरा वो तो इसी तरीके से बताया, वो तो उनका पार्ट था, आपके पार्ट में आपने क्या किया है, इमोशनली अटैच हो गए। जब आप फिल्म को देख रहे हैं आप इमोशनली अटैच हैं, और जब आप इमोशनली अटैच हैं तो आप डिवोटेड तो हो ही गए पूरी तरीके से। इवन कोई अगर आगे पीछे की कुर्सी वाला थोड़ा हल्ला करे तो मतलब इरिटेट होने लगते हैं, या थोड़ी देर तो अपन इग्नोर करेंगे, नहीं तो बोल ही देंगे, बोले भाई साहब बच्चा रो रहा है, आपको चुप चुप कराओ इसे, फोन अगर बात करनी है तो बाहर जाओ यहाँ से। क्योंकि अब आपको कनेक्टिविटी सिनेमा के साथ डायरेक्ट है आपकी, आप चाह रहे हैं कि भाई फिल्म में जो चल रहा है पैसे खर्च करके आए नेचुरली, तो वो डिस्टर्बेंस नहीं हो आपको। अब आप अगर उसके फिल्म 100-150 रुपए की टिकट होती है, कभी आप महसूस करना कि जो स्कूलों की फीस भरी जाती है 50,000-60,000-1,00,000 रुपए तक साल भर की फीस होती है, कभी एक लेक्चर की कॉस्ट आप निकाल लेना, मेरी गारंटी है वो सिनेमा हॉल की फिल्म से कम कॉस्ट नहीं आएगी उसकी। तो आप सोचिए कि वहां भी हमें उतना ही अटेंशन देना है तो कोई समस्या ही नहीं। अब जो क्योंकि लीजेंडरी लेक्चर्स ने एक लेक्चर पोस्ट किया है जिसके मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मैंने इनके पूरे कंटेंट को देखा थॉरली, मैं गया और काफी अच्छे कंटेंट्स हैं,
और क्योंकि चैनल पे तो आपको फ्री कुछ वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, तो वो आप देख सकते हैं या जो ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप देखेंगे इसमें जितने भी जो आपके टीचर्स हैं काफी मेहनत करके उनने कंटेंट बनाया है, और जिसे काफी बोलते हैं स्टिकी नोट्स, जो मैं बोल रहा था, तो जो यहाँ पे वीडियोस हैं स्टिकी वीडियोस हैं, जो आपको 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के वीडियो आप देखेंगे तो आपका पुराना जो टेक्स्ट बुक से जो कंटेंट पढ़ा हुआ है वो एक फिनिशिंग स्टेज में अपने आप चला जाता है, यानी वो आपको अच्छे से ऑटोमेटिकली समझ में आने लगता है। ठीक है ना, जैसे कोई चीज हम कोई पढ़ के बताता है और कोई वही कोई हमें किसी ड्रामे में कोई एक्टिंग करके दिखाता है, तो दोनों में अंतर है। हम किसी को पढ़ते हैं और एक आपको विजुलाइजेशन करके कोई किसी सिनेमा हॉल में या ड्रामे में बताता है तो ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो वैसा ही एक मतलब वीडियो लेक्चर्स भी क्या होता है कि हमें एक एक्स्ट्रा टूल्स देता है। हमारी पढ़ाई जो है ऑफलाइन पढ़ाई हम जैसे करते हैं वो तो हमें करना ही है और करनी ही चाहिए, लेकिन हमें एक्स्ट्रा जैसे सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, तो वैसे ये है, ये सब एक्स्ट्रा टूल्स हैं। और खासकर पेंडेमिक टाइम में तो बहुत ही काम के टूल्स हैं कि जब हम स्कूल जा नहीं पा रहे हैं और ऑफलाइन अटेंड कर नहीं पा रहे, तो ये जब हमें कुछ एक्स्ट्रा कहीं से कंटेंट मिलता है और अच्छा कंटेंट मिलता है तो काफी हमें हेल्प करता है। अनिल कुमार शर्मा जी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, वंडरफुल वेबिनार जो आपने आज हमारे बच्चों के सामने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी तरह मैं सभी विद्यार्थियों का आभारी हूँ जो इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं। और भी कुछ नए विद्यार्थी अगर इस वेबिनार ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करें, अपना मोबाइल नंबर और ईमेल उसमें डालें और हम आपको नए वेबिनार के लिए आपको इनविटेशन भेजते रहेंगे और आप लेजेंडरी लेक्चर टीम की तरफ से इस वेबिनार का लाभ उठाएं। मैं लेजेंडरी लेक्चर टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देता हूं और आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।